हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यू लर्न में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इलोंगेशन ऑफ बार ड्यू टू सेल्फ वेट। तो फ्रेंड्स, अगर कोई हमारा बार अगर सीलिंग से फिक्स्ड वॉल से लटका हुआ है तो उसमें उसका जो वेट है उसके कारण इसमें कोई फोर्स नीचे लगेगा वेट के कारण mg, और उसके कारण इसमें कुछ एलोंगेशन होगा, तो वही एलोंगेशन हमको फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एक रेक्टेंगुलर बार है जिसका लेंथ l है और इसका क्रॉस सेक्शन यानी एरिया जो होगा वो कुछ हमारा a होगा, और ये इसका डेंसिटी रो होगा। टोटल लेंथ ऑफ बार इक्वल टू एल, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया ए, और मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ बार हो गया हमारा रो, और हमें पता है रो इक्वल टू एम बाय वी। तो फ्रेंड्स, अब इसमें इलोंगेशन फाइंड करने के लिए हमें एक स्ट्रिप लेना है, यानी एक एलिमेंट जो हमारा डीएक्स लेंथ का है, ये हमारा डीएक्स लेंथ का है, और इसका नीचे से यहां तक का लेंथ एक्स है। तो फ्रेंड्स, अब जो ये हम एलिमेंट लेके देख रहे हैं, तो अब हम फाइंड करेंगे इस एलिमेंट में कितना इलोंगेशन हो रहा है। तो इस एलिमेंट में इसके नीचे जो वेट होगा इस बार का, उसके कारण इसमें इलोंगेशन होगा। ये जो हमारा इतना पार्ट है उसके कारण इस एलिमेंट में इलोंगेशन होगा। तो ये जो हमारा पार्ट है उसका मास चलिए हम फाइंड कर लेते हैं। तो मास इक्वल टू हो गया रो इंटू वी, रो इंटू वी, वी हमारा क्या हो जाएगा एक्स इंटू एरिया, और इसे जब रो से मल्टीप्लाई किए तो ये हमारा हो गया मास। तो फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, अब हम सिग्मा का मान निकाल लेते हैं। तो सिग्मा हमारा क्या होगा पी बाय ए। तो फ्रेंड्स, इस एलिमेंट पे जो फोर्स लगेगा यानी पी, वो क्या होगा हमारा इस बॉडी का वेट होगा, यानी इतना पार्ट का, यानी mg। तो ये हो गया हमारा mg बाय ए, और m का वैल्यू इसमें रख देंगे रो इंटू ए इंटू एक्स, और ये g बाय ए कैंसिल। तो हमें सिग्मा का वैल्यू मिल गया रो जी एक्स। फ्रेंड्स, हमें पता है सिग्मा इक्वल टू यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन, तो यहां से स्ट्रेन इक्वल टू हो गया हमारा सिग्मा बाय यंग मॉडुलस, और हमें पता है स्ट्रेन इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, सिग्मा बाय यंग मॉडुलस। तो ये चेंज इन लेंथ जो है फ्रेंड्स, वही हमें यहां चेंज इन लेंथ जो कि एलिमेंट का होगा वो निकलेगा, और जो ये एल है वो एल है डीएक्स ओरिजिनल लेंथ ऑफ एलिमेंट। तो फ्रेंड्स, अब हम लिखते हैं यहां चेंज इन लेंथ ऑफ एलिमेंट, जो कि हमारा हो जाएगा डेल एल इक्वल टू सिग्मा बाय यंग मॉडुलस इंटू एल, और ये एल हमारा क्या है
इस एलिमेंट का लेंथ है। तो ये हमारा हो गया डेल एल इक्वल टू सिग्मा बाय यंग मॉडुलस इनटू डी एक्स, और सिग्मा का वैल्यू यहां रखते हैं रो जी एक्स बाय यंग मॉडुलस इनटू डी एक्स। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा डेल एल है अभी, ये है हमारा उस एलिमेंट में जो एलोंगेशन हुआ, और जब हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे और जीरो से एल तक लिमिट लगा देंगे तो फ्रेंड्स वो हमारा हो जाएगा पूरे बार का। तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं इसे, डेल एल जीरो से एल रो जी एक्स बाय यंग मॉडुलस इनटू डी एक्स। तो कांस्टेंट टर्म को बाहर कर लेते हैं, तो ये हमारा हो गया रो जी बाय यंग मॉडुलस जीरो से एल तक एक्स का इंटीग्रेशन। तो ये हमें याद आएगा रो जी बाय यंग मॉडुलस और एक्स स्क्वायर बाय टू जीरो से एल, तो हो गया रो जी यंग मॉडुलस एल स्क्वायर बाय टू माइनस जीरो। तो ये हमारा हो गया रो जी यंग मॉडुलस इंटू एल स्क्वायर बाय टू। तो फ्रेंड्स ये जो हमें निकला ये हमारा क्या हो गया, चेंज इन लेंथ ऑफ बार ड्यू टू सेल्फ वेट। ये हमारा कितना आया, डेल एल इक्वल टू रो जी एल स्क्वायर बाय टू यंग मॉडुलस। तो ये हमारा हुआ इलोंगेशन उस बॉडी में। तो फ्रेंड्स हम देखें कैसे इसका इलोंगेशन फाइंड किए। सबसे पहले एक एलिमेंट लिए जो कि हमारा डी एक्स लेंथ का है और यहां से इसका एक्स लेंथ है, और तो इसका मास निकालने के लिए हम क्या किए, रो इंटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम हमारा क्या हो गया, एक्स इंटू एरिया, एरिया इंटू ये लेंथ। तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया, और इसको जब मल्टीप्लाई किए रो से तो वो हमारा मास हो गया। और हमको पता है कि स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स बाय इंटरनल फोर्स बाय एरिया। तो ये हमारा हो गया mg, जो कि यहां फोर्स लग रहा है इस वेट के कारण। तो ये हमारा mg हो गया mg बाय a, और m का वैल्यू यहां रख दिए तो ये हमारा हो गया रो ए एक्स इंटू जी बाय ए कैंसिल। तो रो हमारा आ गया, सिग्मा आ गया हमारा रो जी एक्स, और हमें एक पता है एक फॉर्मूला, सिग्मा इक्वल टू यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेन इक्वल टू हो गया सिग्मा बाय e, और स्ट्रेन हमें पता है कि चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ये जो डेल एल है अभी वो चेंज इन एलिमेंट, जो बताएगा हमारा एलिमेंट में कितना इलोंगेशन हुआ, और जो ये एल है वो है एलिमेंट का ओरिजिनल लेंथ जो हमारा डी एक्स है। तो ये हमारा हो गया चेंज इन लेंथ ऑफ एलिमेंट। तो डेल एल जो है वो हमारा हो गया सिग्मा बाय ई इंटू एल, और एल का वैल्यू क्या है डी एक्स। तो डी एक्स रख दिए, और यहां सिग्मा हो गया रोजी एक्स इंटू टू डी एक्स बाय ई। तो इसको इंटीग्रेट कर दिए तो ये हमारा वैल्यू आया फ्रेंड रोजी बाय एप्सिलॉन ई इंटू एल स्क्वायर बाय टू। तो फ्रेंड्स इसी तरह हम एक कॉनिकल बार का भी निकाल सकते हैं। ये आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या आई बटन पे क्लिक कीजिए और आपको आई बटन पे ये वीडियो इसका मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।